अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं भाई? वो ठीक ठाक है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को सबको पता चला होगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलने आएंगे। हम सिर्फ T20 क्रिकेट खेलेंगे, हम टेस्ट मैचेस नहीं खेलने आते, क्योंकि वो शायद ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है और हम लोग T20 क्रिकेट खेल के हम फौरन वापस जाना चाहते हैं। देखें, इसमें मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी सख्ती ज़ाहिर की है। सख्ती ये ज़ाहिर की कि शायद वो लोग ये समझ रहे थे कि श्रीलंका की टीम ने वनडे T20 और टेस्ट मैचेस आके खेले तो जो बांग्लादेश की टीम है वो भी आके टेस्ट मैचेस खेल लेगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए था कि जब श्रीलंका की टीम भी आई थी, जिसके साथ आप लोगों का रिलेशन इतना अच्छा था, उन्होंने भी पहले यही बोला कि हम T20 वनडे क्रिकेट आके खेलेंगे पाकिस्तान में, जब हमें ये पता चलेगा कि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं, उसके बाद हम फिर टेस्ट मैचेस खेलने आएंगे। तो बांग्लादेश के साथ भी ऐसे ही कर लेते। देखिए, PCB को एक चीज़ ये सोचनी चाहिए कि PSL के भी मैचेस हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद अब इस साल जाके हमारा पूरा PSL होगा। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करने का मकसद ही यही था कि जो जितने भी ओवरसीज़ प्लेयर्स आएंगे वो दो मैचेस, तीन मैचेस खेलेंगे, फिर कुछ और मैचेस खेलेंगे, तो उससे ये उनको आइडिया होगा कि हमारे पास पाकिस्तान जो है वो हमें सिक्योरिटी कैसे दे रहा है, पाकिस्तान में कैसे हालात हैं। तो उसके बाद उन्होंने अब ये करना शुरू किया कि जब पूरा PSL हो रहा है तो उन्होंने डन किया कि जी चले, हम पूरा PSL हो रहा है, अब हम खेलते हैं पाकिस्तान में आके। तो उन्होंने इसी वजह से अब वो सारे PSL खेलने आ रहे। इसी तरीके से हमें हर टीम के साथ करना चाहिए, बांग्लादेश के साथ भी हमें ऐसा ही करना चाहिए था कि आए जी, आप पहले T20 खेलें, उसके बाद आके जब हम आपका T20 ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप देखिएगा, सिचुएशन देखें, हालात देखें, फिर उसके बाद आके आप टेस्ट मैचेस खेलें। मेरे ख्याल है जो सख्ती है थोड़ी सी PCB की, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आप टेस्ट मैच खेलें, अगर नहीं खेलते तो हम कुछ भी नहीं खेलेंगे। दूसरी बात ये कि शायद इसमें हमारी भी कुछ गलतियाँ हैं PCB की, कि हमने कुछ 2009 के बाद कुछ ऐसे रिलेशन बनाए नहीं, कुछ ऐसे काम करने की हमने कोशिश ही नहीं की कि हमारे जो रिलेशन है क्रिकेट बोर्ड जितने भी उनके साथ बेहतर हो सके। खैर, मैंने मैं अपनी तरफ से बांग्लादेश के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अपने क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सा वो बोले कि क्योंकि हम लोग भी देखें पाकिस्तान में रहते हैं, कोई हालात ख़राब नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र हर चीज़ फर्स्ट क्लास है, सब बहुत मज़े से लोग यहाँ पे रहते हैं। वो ठीक बात है दूसरे लोगों की, वो ये समझते होंगे कि हालात पाकिस्तान के अभी तक उस तरीके से बेहतर नहीं है। तो अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट मैचेस का मना कर दिया तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं करना चाहिए कि वो बोले नहीं जी हम T20 भी नहीं खेलेंगे। नहीं, उनको आने दें और उनको आके बोले ठीक है जी आप T20 आके खेलें, उसके बाद आप देखिएगा, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए हैं या सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, तो आप फिर दोबारा आके टेस्ट मैचेस हमारे साथ खेल लीजिएगा। मेरे ख्याल में ये सबसे एक बेस्ट ऑप्शन है जो सीरीज़ ख़त्म करने, T20 भी ख़त्म करने का जो सोच है उससे बेहतर ये ऑप्शन है। लेट्स सी, देखते हैं कि कहाँ तक जाता है ये जो फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किया, क्योंकि प्लेयर्स तो नहीं मान रहे। प्लेयर्स ने बोला हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, ज़्यादा दिनों तक हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। PCB ने ये अभी सोचा है कि जो उनकी प्रेस रिलीज़ है वो जब ऑफिशियली जब आ जाएगी हमारे पास, फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या अब हमें फ़ैसला करना चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला एक वीडियो से हाज़िर होंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उन सबको बहुत थैंक्स करता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मेरे भी 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरे हिसाब से मेरी औकात इतनी नहीं थी कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया इस 50,000 के अंदर। सब लोगों को पता है कि मैंने कितनी मुश्किल हालात भी देखे हैं, कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देखे, कितने बुरे कमेंट्स भी देखे। बुरे कमेंट्स तो इतने बुरे कमेंट्स मैंने पढ़े, उसके बावजूद ही मेरे ख्याल में अगर मैं मेंटली इतना तगड़ा नहीं होता तो शायद ये मैं इस चैनल को कंटिन्यू नहीं कर सकता था। लेकिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, शायद उन लोगों की वजह से मैंने ये चैनल को सपोर्ट किया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।